हल्द्वानी शहर में सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहे आवारा गौवंश से निजात दिलाने के लिए गौशाला बनाने की प्रक्रिया जारी है। डीएम नैनीताल ने काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बनाई जा रही गौशाला का निरीक्षण किया। ये अस्थायी गौशाला फॉरेस्ट की जमीन KMVN की लीज पर बनाई जा रही है। इस दौरान नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम ने नैनीताल ने कहा कि नगर निगम इस जमीन पर अस्थायी रूप से गौशाला का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, जिसमें शेड, भूसा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। डीएम नैनीताल ने कहा कि गंगापुर कबड़वाल गाँव में अस्थायी रूप से 3000-4000 गौवंश को रखने की व्यवस्था की जा रही है। काठगोदाम शीश महल में अस्थायी रूप से बन रही गौशाला में अब तक 10 से 12 गौवंश को पकड़कर लाया जा चुका है। डीएम नैनीताल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों को अस्थायी गौशाला का निर्माण जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी जो हम लोगों का काफ़ी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था, शहर में आवारा पशुओं की समस्या है, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवारा पशुओं की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसके लिए गौशालाओं का निर्माण करने के लिए एक हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे सभी क्षेत्रों में। उसमें माननीय न्यायालय में भी बीच में एक रिट याचिका दायर हुई थी और उसके निर्देशों के अनुसार जो स्थायी गौशालाओं का निर्माण होना है उसके पहले, तब तक जो भी आवारा पशुओं का एक समस्या का अस्थाई समाधान है, कोई अस्थाई गौशाला संचालित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। तो ये शेष महल में जो KMVN की लीज है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से, इस लैंड को इसलिए चिन्हित किया गया था कि जब तक हमारी स्थायी गौशाला नहीं निर्मित हो जाती है, अस्थाई रूप से जानवरों को यहाँ पर रखा जाएगा। आज मैंने इस जगह का निरीक्षण किया है। नगर निगम इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी गौशाला के लिए तैयार कर रहा है, उसमें बाउंड्री वॉल है जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा टूटी हुई है, और चारे की, पानी इत्यादि की व्यवस्था है, और क्योंकि ठंड भी बहुत बढ़ गई है तो अलाव जलाने की व्यवस्था और एक टेम्परेरी शेड के निर्माण की व्यवस्था के भी निर्देश नगर निगम को दिए हैं। इसके साथ ही गंगापुर कबड़वाल में जो स्थायी गौशाला के लिए भूमि चिन्हित हुई है उसका भी हम लोग आज निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा भविष्य में 3000 से 4000 गायों की क्षमता की गौशालाओं के लिए वो भूमि पर्याप्त है, तो उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे और जितना जल्दी हो सके उस गौशाला को आरम्भ करवाया जाएगा।